कई रास्ते तलाश कर रहे हैं अच्छी जिंदगी के लिए, कई जगहों पे जा रहे हैं, कई दर जा रहे हैं, कई दरवाजों पे जा रहे हैं, कई कोशिशें कर रहे हैं कि एक अच्छी जिंदगी मिल जाए, एक खुशगवार जिंदगी मिल जाए, एक ऐसी जिंदगी मिले जिसमें मैं खुश हूं। और खुशी का पैमाना आप माल से मत लगाइए, ये बात मैं यहीं क्लियर कर रहा हूं, खुशी का पैमाना पैसों से मत लगाइए, खुशी का पैमाना क्वांटिटी से मत लगाइए, खुशी का पैमाना दिली इत्मीनान से लगाइए, खुशी का पैमाना, अच्छी जिंदगी का पैमाना जहनी सुकून से लगाइए। याद रखें, अच्छी जिंदगी का पैमाना ज्यादती नहीं बरकत से लगाइए, बरकत समझते ना, ज्यादती नहीं, कसरत नहीं, बरकत जो होती है याद रखें। आज हमारे पास चीजों की कसरत है लेकिन बरकत गायब है, याद रखें। चीजें मयसर है लेकिन खुश नहीं है, लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हैं, कीमती कीमती विलाज और घरों में रह रहे हैं, एक से एक जो है गैजेट्स को यूज कर रहे हैं, चीजों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी कीमत लाखों में है, लेकिन मुतमईन नहीं है, उन्हीं चीजों को फेंक दिया जाता है चिड़कर, मुतमईन नहीं है। घर जाते ही बच्चों की नाफरमानियां आदमी को परेशान कर देती है, घर जाते ही शोहर और बीवी का आपसी तनाव बढ़ जाता है, जबकि ये ऐसा मोहब्बत वाला रिश्ता है जिसकी कोई इंतिया नहीं, लेकिन आप देखिए झगड़े चालू है घर के अंदर, घर के अफराद चाहे मर्द हो चाहे औरतें हो, एक दूसरे को देखकर चेहरे तब्दील हो जाते हैं कि ये क्यों आए और ये किस लिए आए। देखिए तो गोया हम दिल से सुकून नहीं हमारे पास, ज़हनी इत्मीनान नहीं हमारे पास और बरकत गायब है। तो चीजों को आप क्वांटिटी से मत गिनिए, इसी तरह माल की कसरत से मत लगाइए कि हाँ माल ज्यादा होगा तो हम खुश रहेंगे, ये बात